Hey guys, what's up? कैसे हो आप सब लोग? Welcome back to another gameplay video. आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Ark Survival Evolved. क्योंकि बहुत दिन पहले हम लोगों ने Ark Survival खेलना स्टार्ट किया था, पर इसका नॉर्मली इसका मिशंस, इसका टेक्निक मुझे पता नहीं था. तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और उसके बाद हमें पता चल गया कि ये गेम कैसे खेलते हैं. तो फिलहाल तो हम लोगों ने यहाँ पर इस जगह पर बेस बनाया हुआ है. वहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ डायनासोर्स है. तो अभी तो बेस को रिनोवेशन का काम कर रहे हैं हम लोग. तो फिलहाल आज चलिए, यहाँ पर कुछ सप्लाई क्रेट्स आए हैं, देख लेते हैं कि क्या भेजा है हमारे लिए. तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक जगह है, ठीक है, तो हमें संभल के जाना पड़ेगा. हम थोड़ा सा स्टैमिना बूस्ट कर लेते हैं. तो पैरासोर का स्टैमिना बूस्ट होने के बाद हम लोग इसको लेके चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या भेजा है हम लोगों के लिए. पर थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर ना कभी कभार कोई और डायनासोर आके हमला कर देता है, तब तो थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है. तो चलो, वुडन सब कुछ दिया है, मतलब वॉल दिया है, स्ट्रक्चर्स दिया है, जो कि हमें अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, क्योंकि अभी हम लोग ना अपना बेस को थोड़ा रिनोवेट कर रहे हैं अच्छे से. और ये देखो गाइस, ये है हमारा बोट. और एक सेकेंड, हम दिखा रहे हैं आपको सब कुछ ठीक ठाक से. तो ये रहा हमारा मतलब क्या बोले इसको, ये तो बोट है, ये तो सेल है, और ये है हमारा बोट हाउस. तो इसको यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. नॉर्मली ज़्यादा स्पीड तो नहीं है, पर काम चलाओ चल जाता है, ठीक है. तो इससे तो अच्छा ही है कि हम लोग नदी के रास्ते अगर कहीं जाने का रहेगा तो हम लोग कैसे जाते हैं दिखाते हैं हम. ये देखिए, बोट को यहाँ पर रोकते हैं. और पैराश्योर के ऊपर से तो हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, ये तो बहुत बढ़िया सवारी है. लेकिन अगर पानी के रास्ते हमें कहीं जाना पड़ा, सोचो कि कहीं दूर आइलैंड में जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाने के लिए हम क्या करते हैं. देखो ये रहा डॉल्फिन्स, ठीक है. हम लोग नॉर्मली डॉल्फिन्स के ऊपर बैठते हैं. और इसका स्पीड देखो गाइस, स्पीड देखो, पलक झपकते इधर से उधर, बहुत तेज़ चलता है यार, बहुत तेज़ चलता है. आपको लग रहा है ना कि कितना तेज़ भाग रहा है? हाँ, ये इतना ही तेज़ भागता है गाइस. आज सर्वाइवल का नॉर्मली मैं तो दीवाना हो गया हूँ, बहुत खेलता हूँ, क्योंकि ये मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा आते हैं. इसका ग्राफिक्स पूरा ख़राब लगता है, पर इसका जो नॉर्मली प्रोसेस है और गेम प्ले है ना, माइंड ब्लोइंग है. तो आज हम जाएंगे टेम करने के लिए. टेम करना मतलब पालना है, ठीक है. तो चलो, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं. ये देखो, ये ना, ये हमें हमारा नॉर्मली बेस था, ये हम लोग तोड़ दिया है, पूरा दीवार छत सब तोड़ दिया है, क्योंकि इसको इनहेंस करना है, इसको बढ़ाना है इस बेस को, ठीक है. तो वहाँ पर देखो, मेरे पास एक घोड़ा भी है, जो कि जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, भूल गया, एक सेकंड, कहाँ गया, ये रहा, इक्यूएस है, ठीक है. तो इसके ऊपर बैठ के भी फायदा नहीं, थोड़ा ज़्यादा हेवी हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा बहुत चीज़ें लेके जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बेस बनाने के लिए वो सब चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है. तो अभी ना हम लोग चलेंगे, मिशन देख लेते हैं क्या है. अभी मिशन है, ये वाला मिशन करते हैं, गैलिमिमस को टेम करते हैं, ठीक है. तो गैलिमिमस टेम करते हैं, उससे पहले ना ये देखो हमारा खेत, ठीक है. यहाँ पर हमारा कैरेट्स है, ठीक है, कैरेट सूख रहा है. यहाँ पर है हमारा मेजोबेरीज, नहीं वो है नार्कोटिक्स बेरीज, नार्कोबेरीज, ये है मेजोबेरीज, ठीक है. और यहाँ पर और भी कुछ है, तो चलो यहाँ पर बेरीज फार्म होता है. और यहाँ पर ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सब कुछ चीज़ों को ना रख देता हूँ, क्योंकि इसको लेके चलने से क्या होगा, थोड़ा वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा हमारा और हमें तकलीफ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है. तो ठीक है, फिलहाल कहाँ पर रखे हम अपने फूड्स और पानी का बोतल, वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है. यहाँ तो नहीं है फिलहाल, यहाँ भी नहीं है यार, कहाँ रख दिया मैंने, भूल गया मैं तो. इतना सारा अलमारी हम लोगों ने बनाया है इसलिए, ताकि अगर इनहेंस करने का टाइम, मतलब वो सब कुछ, एक सेकंड, मैंने ना घोड़े के अंदर सब कुछ डाल दिया था यार, रुको यार, रुको, घोड़े के अंदर है सब कुछ, हाँ देख रहे हो, मैंने गलती से उधर देख रहा था, पर घोड़े के अंदर ही सब कुछ रख दिया था हम लोग, ठीक है, कोई बात नहीं. यहाँ पर से हमें ये एरोस लेना है, और जिसको टेम करने जा रहे हैं ना, उसको टेम करने के लिए थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. तो हम लोग थोड़ा बहुत ये भी ले लेंगे, नार्कोटिक्स, और खाना पीना तो रहेगा ही संग, और एक्सपो तो मेरे पास फ़िलहाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. नार्को बेरीज लेना है मुझे, ठीक है, ये शायद से काफ़ी होना चाहिए. तो चलिए अभी ना हम लोग पैराशोर पेट्राडॉन को ही लेके चलते हैं, तो देखते हैं. ये काफ़ी तेज़ उड़ता है, जितना अपडेट होगा, मतलब अपग्रेड होगा, उतना तेज़ उड़ सकेगा. तो किस तरफ मिलेगा वो, एक सेकेंड, किस तरफ,
एक सेकेंड थोड़ा बहुत मुझे याद करने दो यार, यहाँ पर ना मैप में नहीं दिखाता। चलते हाँ यहाँ यहाँ मिलेगा। चलते चलते अगर कहीं करीब रहा तो, अरे यार मैं गलती कर दिया यार, मैं ना ट्रैंकुलाइजर बोल्ट तो ला ही नहीं, वही तो भूल गया मैं ना। तो ठीक है चलो ट्रैंकुलाइजर लेके आते हैं, मतलब वो तीर है एक तरह का, उस तीर से हम सभी डायनासोर को ना अनकॉन्शियस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं क्योंकि कम ना पड़ जाए, फिर से आना पड़ेगा। सात मेरे ख्याल से सात काफ़ी होने वाले हैं, फिर भी हम थोड़ा और ज़्यादा ले लेते हैं, नौ ले लेते हैं, काफ़ी हो जाएगा मेरे ख्याल से। और कुछ ठीक है चलो 11 ले लिए हम लोगों ने, ये काफ़ी होना तो चाहिए। और अरे रुक जाओ यार, इतनी भी क्या जल्दी है, रुक जाओ थोड़ा सा, हम भी यहाँ बैठ। मुझे ना क्राफ्ट करना पड़ेगा ये चीज़, ये क्या बोलते देख लेते एक बार, एनग्राम बोल्ट बोला। ठीक है इसको क्राफ्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हम लोग देख लेते हैं एक बार। 10 थ्रेड्स, 3 स्टोन्स, फाइबर 15, हाइट 3, सब कुछ हमारे पास है फिलहाल। तो हम लोग चलते हैं वहाँ से उठा लेते हैं। ये देखो ये ना खाद रखने का जगह है क्योंकि फार्मिंग के लिए, और यहाँ तो हम लोग बेस बनाने ही वाले हैं अच्छे से, तो इसीलिए ना हम लोग अभी भी नॉर्मली हम लोगों ने उसको अभी भी चालू नहीं किया है। तो फिलहाल तो थ्रेड्स तो मेरे पास इतना थ्रेड्स है, इतना सारा थ्रेड्स लेके करूँगा क्या। तो फिलहाल तो हमें ज़रूरत है ना क्राफ्टिंग के लिए, थ्रेड्स कितना चाहिए देख लेते हैं एक बार। 10 है मतलब 5 अगर कर लेंगे तो ठीक है, 50 थ्रेड्स रख देते हैं, बाकी सब यहाँ पर ना ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है तो अच्छा, अरे यार ये तो फाइबर है, थ्रेड्स हैं, इसको 50 रख देते लेते हैं हमारे पास। चलो 5 हो जाएगा आराम से। और आ गया क्राफ्टिंग टेबल, ये रहा। और यहाँ पर क्या चाहिए हमें, हाइट मिल जाएगा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, स्टोन भी मिल जाएंगे 10 थ्रेड्स 15। ठीक है तो यही है हाँ सेकेंड यार, 75 ये रख लेते हैं फाइबर, 75 काफ़ी होगा क्योंकि ज़्यादा चीज़ हम लोग लेके नहीं जाने चाहते। ठीक है और स्टोन चाहिए हमें, स्टोन तो अभी मिल जाएगा यार, स्टोन की कोई दिक्कत है, स्टोन हर जगह पर मिल जाता है यार। तो एक सेकंड इसको तोड़ते हैं, मिल रहा है आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तोड़ लेते हैं स्टोन। 75 स्टोन चाहिए हमें, हो गया क्या, नहीं 44 हुआ है, और भी है यार यहाँ पर भरा पड़ा है यार, देखो कितना हो। मुझे ज़्यादा लेके नहीं चलना है, ठीक है जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे। ओके चलो 75 हो गया। और हाइट चाहिए था ना, हाइट भी मेरे पास है, हाइट होता है वो फेदर नहीं चमड़ा बोल सकते हैं हम लोग, लेदर बोल सकते हैं आराम से। तो हाइट यहीं पर रखा हुआ है, तो हाइट भी 75 चाहिए हमें एकदम से। तो ठीक है अभी ना क्राफ्ट करते हैं हम लोग। नॉर्मली हमारा वेपन्स जो है उसका थोड़ा बहुत धार कम हो गया है, उस सबको धार देना पड़ेगा, तो बाद में आके कर लेंगे, फिलहाल तो उसे पकड़ने के लिए ना हमें हो गया क्राफ्ट हो रहा है। तो वो बंदा मतलब वो कहाँ गया यार, मेरे पास रैप्टर भी है, हम लोग रैप्टर की भी सवारी कर सकते हैं। ये देखो गाइस फूकर लग रहा है ना, ये कूदता भी है और तेज भागता भी, अभी तेज नहीं भाग रहा है मतलब वेट ज़्यादा है इसका, ये कम लेवल का है। ठीक है इसका जब तक लेवल अप होगा तो आराम से ये तेज भागना स्टार्ट कर देगा। तो ठीक है रैप्टर का भी अपग्रेड कर देते हैं क्योंकि इसका अपग्रेड आया है। एक सेकेंड ओके, भागने का और वेट नहीं, भागने का नहीं वेट लेने का देते हैं क्योंकि वेट अगर ले लेगा तो वो भागेगा जल्दी से, इसको भूख लगा है। ये खाना नहीं है क्या यहाँ पर, मैंने खाना नहीं दिया, देख लेते हैं एक बार। ओके खाना तो सब कुछ है, तो रैप्टर खा क्यों नहीं रहा यार, खा ले रैप्टर खा ले, खा गया तू, ये रहा रैप्टर, हाँ खा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो खा रहा है, ये शायद से नहीं खा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है, हाँ ये नहीं खा पा रहा है। ठीक है हम लोग आ जाएंगे, जब आ जाएंगे तब देख लेंगे। ये देखो ठीक है यहाँ पर गैलीमिमस कहाँ है दिखा रहा है, लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ देखो, तो करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर मिल जाना तो चाहिए, मतलब नदी के इस पार मिल जाएगा, थोड़ा ही जाना पड़ेगा, ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके चलो अब हम लोग आ चुके हैं, 200-250 मीटर के अंदर ही हमें मिल जाएगा। ओके साइड से मिल गया, पर वो कुछ और भी हो सकता है, हाँ यार वो तो रैप्टर है यार, रैप्टर दिखेगा तो मार देगा हमें, ये बहुत खतरनाक होते हैं और रैप्टर ना अच्छे डायनासोर को भी मार सकता है, मतलब सोचो कि एक या दो रैप्टर किसी तरह से एक
बिग साइज का किसी को पकड़ लिया, ये इसको पकड़ लिया दोनों, ये है पैरासोर। मैं बैठा हूँ फिलहाल तो पेट्रेटाडॉन के ऊपर और ये पैरासोर है। पैरासोर को अगर एक पकड़ लेगा ना वो क्या बोलते हैं रैप्टर, आराम से मार देगा। अरे रुक जा, रैप्टर ने किसी को तो भगाया है यार। ओके इस तरफ ही है, रैप्टर के ऊपर हमला कर दे क्या, क्या बोलते हो गाइस? ओके रैप्टर के ऊपर हमें हमला करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, हमें हमला करना ही पड़ेगा। अभी तो रैप्टर आ ही जाएगा। ओके चलो रैप्टर मर गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसे मारना ही था। इसको अगर नहीं मारते तो हम लोग ना इसको टेम नहीं कर पाते, वो आके झमेला कर देता। तो फिलहाल गया कहाँ यार, अभी तो यहीं पर था यार, कहाँ चला गया? मतलब आजू बाजू में रहता है पर कहाँ, ये नहीं तो आजू बाजू में कहाँ रहता है वही देखना पड़ेगा। फिर एक रैप्टर, एक नहीं यार दो रैप्टर्स है यहाँ पर तो। अच्छा दिख गया, इस तरफ ही है। हम लोगों ने इसको बनाया है पर इसको लिया नहीं है यहाँ पर, इसको यहाँ पर रखना पड़ेगा हमें। कहाँ गया? अरे यार एक बार मैं क्या बैग खोला था और वो गायब ही हो गया, उस तरफ चला गया। ठीक है ठीक है, ये मिल जाएगा, ये बहुत तेज भागता है यार, मज़ा आ जाएगा अगर ये मिल गया ना। अरे नहीं यार ये नहीं है, कहाँ गया यार, अब भी तो यहीं पर था। ऐसे भागेगा तो पकड़ेंगे कैसे, उसको टेम कैसे करेंगे? ठीक है चलो कोई नहीं, ये भाग गया। तो इसका अपडेट आया है, मतलब न्यू लेवल अप हुआ है, तो इसको हम लोग वजन उठाने के लिए अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग कभी कभार ना काफ़ी चीज़ें को लेके जाने की कोशिश करते हैं पर ये उड़ ही नहीं पाता है, तो हमें इस तरफ ही जाना पड़ेगा, उस तरफ ही है। गैलिनिमस क्या नाम है यार, पर ये सब कुछ ना जो भी यहाँ पर डायनासोर दिखाए गए हैं नॉर्मली हिस्ट्री में ये सभी एग्जिस्ट करते थे और उन्हीं के ऊपर बेस करके ये गेम बना हुआ है। ठीक है तो यहाँ पर नोट्स भी है बहुत सारे, नोट्स में लिखा हुआ है कहाँ पर मिलता था, क्या होता था, क्या नहीं। देखो यार ये जगह ख़राब है यार, डंजन है ना, तो डंजन के लिए पता नहीं क्यों यहाँ का ना नॉर्मली कुछ सुनाई नहीं देता है। ओके देखने को मिला, दिखा 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 दिखा, बैठ जा तू यहाँ पर, फिर से देखो उस तरफ चला गया। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे उस तरफ, उसके पीछे ही जाएंगे, उतरेंगे, देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी ना इसको ट्रैप करना पड़ेगा पहले, ये भाग जाएगा दिख रहा। ओके चलो पकड़ा गया, अभी तो इसको ना ट्रैंकुलाइजर मारना पड़ेगा, वो भी फास्ट यार, मैंने कुछ भी इक्यूब नहीं किया था। ओके चलो हो गया इक्यूब, अभी इसको सिर्फ मारना पड़ेगा पहले। ओके एक गया, दो, मरना नहीं है भाई, मरना नहीं है, बेहोश होना है। ओके चलो बेहोश हो गया, सिर्फ एक प्रॉब्लम है पानी के नीचे हुआ है, इसको नॉर्मली नार्को बेबीज देना पड़ेगा फिलहाल, ये खिला देते हैं इसको। अच्छा फूड भी देना पड़ेगा, मतलब फ्रूट्स भी देना पड़ेगा यार, फ्रूट्स मैं लेके नहीं आया यार, क्या बोलूँ, ये क्या दिमाग ख़राब करता रहता है यार। मेरे पैरासोर के ऊपर हमला हो गया है फिलहाल, उसने क्या किया पता नहीं, फिलहाल जो फूड मिला हम लोग इसको वही फूड दे देते हैं फिलहाल, तो मेरे ख्याल से ये मिल जाएगा मेरे को। वाले भाई ये भी ले लें, मैं जुगाड़ करके ला रहा हूँ फिलहाल, तो खाता रहें। इसको नार्को बेरीज भी खिला रहे हैं हम लोग और नार्कोटिक्स भी दे रहे हैं ताकि इसका टेमिंग प्रोसेस बढ़ता रहे। अच्छा भाई मेरे पास, मरना नहीं है तुझे और इसको भी टेम करना है मुझे यार, उसको पानी में डुबो के मार रहा है, उसको लेके भी आना है, इसको भी टेम करना है यार, कैसे होगा ये, बहुत खतरनाक टाइम हो गया है।
उसको किसने छेड़ दिया यार, पता नहीं यार क्या करूँ। ठीक है चलो इसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं फिलहाल, उसको भी उठा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है फिलहाल, तो इसको नार्कोटिक्स पिलाते हैं। और मेरे पास फ्रूट्स है कुछ, वो भी दे देते हैं इसको, ये खा लेगा मेरे ख्याल से। अभी इसका टेमिंग प्रोसेस बढ़ रहा है। ओके चलो, अरे आजा भाई आजा मेरे पास आजा ब्रो, तेरे को मार देगा, वहाँ पर बहुत सारे हैं। ये सोच रहा है कि उड़ रहा है इसीलिए इसको कुछ कोई पकड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा इसका, पर सब जब मिलके देंगे ना इसका तो नानी याद आ जाएगा। यहाँ पर इसको टेम करो और उसको भी बचाने का सोचो यार, कैसे करूँ पता नहीं है, ऐसा ही होता है दिक्कत, ऐसा ही होता है जब होता है ना, हर तरफ से दिक्कत आ जाता है। ठीक है चलो ये सब फ्रूट्स दे देते हैं इसको, मेरे पास बहुत कम फ्रूट्स है। ये कौन है, आ जा ब्रो, बदला ले लिया अपना, यहाँ पर बैठ, आना नहीं है तेरे को, यहीं पर रुकना है, उसको वहाँ पर रोक देते हैं। ठीक है, अरे यार भाई तू तो हमला मत कर, तू तो हमला करियो ही मत। देखिए ये अनकॉन्शियस, इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है अनकॉन्शियस का, मतलब इसको नार्कोटिक्स खिलाना पड़ेगा। हालांकि नार्कोटिक्स क्यों खिलाते हैं, ताकि अनकॉन्शियस का लेवल बढ़ा हुआ रह जाए, जल्दी जल्दी अनकॉन्शियस खत्म ना हो। फिलहाल तो इसको हम ही मार सकते हैं यार, ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा पंगा कर रहा है ना। चलो मर गया, मेरे पंछी को मारेगा, मैंने मार दिया उसको, बहुत बढ़िया। चलो पर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद से मेरे पास जो नार्कोटिक्स है वो कम पड़ जाए, पर हम कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम लोग तो नॉर्मली 10 के आसपास नार्कोटिक्स लेके आए थे, वो काफ़ी होना चाहिए था, अभी तो देख रहा हूँ कि काफ़ी नहीं है वो। इससे ये भी खिला देते हैं, खा रहा है क्या मुझे तो नहीं, हाँ खा रहा है खा रहा है खा रहा है, अच्छी बात है खा रहा है, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे करके हम उसका नॉर्मली अनकॉन्शियसनेस बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि अगर अनकॉन्शियसनेस ना बढ़ाए तो दिक्कत हो जाएगी। नार्कोटिक बेरीज पूरा खिला देते हैं इसको, देखते कुछ असर होता है क्या। इतना सारा बेरीज खाने के बाद भी इसका अनकॉन्शियस लेवल नहीं बढ़ रहा है देखो ज़्यादा, अभी तो इसको एक एक करके नार्कोटिक का पेस्ट ही खिलाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये पेस्ट खिलाते खिलाते ये टेम हो जाएगा, पर मेरे को इसके लिए लेके आना पड़ेगा यार। अभी यहाँ पर इस जंगल में फ्रूट कहाँ से लाऊँ, मिल जाएगा यार, टेंशन की कोई बात नहीं है, पर वो कॉन्शियस ना हो जाए, कॉन्शियस हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। हम लोग जल्दी जल्दी से यहाँ से ना नार्कोटिक्स कलेक्ट, नार्कोटिक्स नहीं नॉर्मली फ्रूट्स और नार्कोटिक्स सभी कलेक्ट कर लेते हैं, नार्को बेरीज, नार्कोटिक्स तो बनाना पड़ता है गाइस, नार्को बेरीज कलेक्ट कर लेते हैं, ये सब इसको दे देते हैं, खा जा टेम हो जा और मेरे साथ चल अपने घर, मतलब हमारे घर, और वहाँ पर तेरे लिए रखा हुआ है क्या पता है, एक सैडल पहना के मैं तेरे पीठ पे चढ़ के घूमता रहूँगा बहुत दूर दूर तक, क्योंकि ये बहुत तेज़ चलता है गाइस। तो ये मेरे पास आ गया था, इसको खिला देते हैं, 50% टाइम हो चुका है गाइस, 50% बाकी है सिर्फ, तो 50% हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं ना बेकार में टेंशन कर रहा हूँ यार, अभी रुक जाओ, ये अभी हो जाएगा टाइम, रुको मेरे पास ये पेस्ट है, ये क्या है, स्मूथिंग ब्लेम पता नहीं, तो ये इसको खिला देते हैं, रिमूव यूज आइटम, ठीक है अभी तो जल्दी से हो जाना चाहिए, पर पता नहीं यार क्या हुआ, ये देखो ये कुछ ऐसा दिखता है, क्या हुआ पता नहीं यार, ये तो टेम हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने बहुत जगह पर हो गया 96%, देखो कितना जल्दी हो गया वो, ओके टेम हो चुका है, बहुत बढ़िया। ओए ये फॉलो हुआ ही नहीं है, टेम हुआ ही नहीं है, ये बहुत दिक्कत देता है यार, भाग रहा है ये, क्यों ब्रो मैंने तेरे को खिलाया पिलाया तू भाग रहा है यार, तब तो तू मर जा, तेरे को जिंदा रख के कोई फायदा नहीं मुझे, तू मर ही जा। तो यहाँ पर फिर से कुछ क्रेट आया हुआ है, आ रहा है, अभी आने में टाइम है बहुत ज़्यादा, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फिलहाल मिलेगा तो क्या मिलेगा पता नहीं, तो इसको हम लोगों ने दे दिया है, क्योंकि ये कोई काम का नहीं है फिलहाल। नॉर्मली ना हम लोग टीम करने की कोशिश कर रहे थे, पर हम लोग बहुत मेहनत किए थे, कुछ नहीं हुआ, लिटरली कुछ नहीं हुआ। इससे तो अच्छा होगा हम लोग ना एक बंदर टेम कर ले, ठीक है थोड़ा थोड़ा करके मेजोवेरीज दे के हम लोग एक बंदर टेम कर ले, पर ठीक है चलो और एक कोशिश करते हैं, अगर हो जाए तो। मेरे पास नार्कोटिक्स की कमी तो है, अरे यार उसके पास नार्कोटिक्स रह गया, वो नार्कोटिक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो हम किसी को टेम नहीं कर पाएंगे ब्रो, तो जल्दी चलते हैं उसको
पीटते हैं और पीट के वहाँ से नाकोटिक ले लेते हैं। वो देखो बंदर भाग रहा है, तो हम लोग बंदर भी टेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है यहाँ पर। यार देखो यहाँ पर कहाँ गया, अरे यार नाकोटिक गायब हो गया सबके सब, मेरे को रख देना चाहिए था आराम से। बंदर कहाँ गया, बंदर भी नहीं दिख रहा है यार, दिमाग खराब हो जाता है। तो इधर तो बंदर नहीं दिख रहा है, ये देखोगे ये गुस्सा होकर पत्थर फेंक के मारेगा। ओके भाई पत्थर फेंकेगा, वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा, पत्थर फेंकता तो भी बहुत ज्यादा डैमेज दे देता है यार। ठीक है एक बार ऊपर से देखते हैं, अगर यहाँ पर मिल जाए तो हम लोग और एक बार कोशिश करेंगे किसी और को टीम करने की। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यार, कार्बोनामीज के अंडे दिख रहे हैं, और अगर हम लोग इसको उठाने की कोशिश भी करें तो मेरे पीछे लग जाएगा कार्बोनामीज मेरे को मारने के लिए। तो ठीक है चलो चलते हैं हम लोग ना, थोड़ा बहुत पेरीज लेके आते हैं, नार्कोटिक्स थोड़ा ज़्यादा करके ही लेके आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा नार्कोटिक्स है, हम लोगों ने बना रखा है, तो हम लोग इस जगह को साफ़ भी कर रहे थे। फिलहाल अभी साफ़ होने में टाइम है, क्योंकि साफ़ करते हैं एक बार, सोते हैं सुबह जागते और देखते हैं कि पूरा भर चुका है। अरे गया कहाँ मेरा घर, अच्छा इस तरफ है ना, थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएंगे हम। रुक जाओ ये काफ़ी दूर है, ये देखो मेरा मुंह उस तरफ ही है, तो ठीक है लेफ्ट साइड हमें जाना पड़ेगा इस तरफ। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभार। जल्दी जल्दी चलते हैं, चल के हम लोग ना नार्कोटिक्स और कुछ बेरीज लेके आते हैं, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है कहाँ गया मेरा घर, मैं भूल गया यार, लालत है ऐसी घर के ऊपर। रुक जाओ मैप देखना पड़ेगा, मैप देख लेते हैं। ओके यहीं पर है, थोड़ी सी जाना पड़ेगा। ओके घोड़े का बाजार है ना, यही है हमारा प्यारा सा घर, तो ठीक है रुक जा यहीं पर उतार मेरे को। और अभी तो हम लोग नार्कोटिक्स अंदर रखा हुआ है, यहाँ पर है 36 और वहाँ पर 100, हम लोग ना 36 ही ले लेते हैं। ठीक है और हमें नॉर्मली चाहिए थोड़ा सा बेरीज, क्योंकि उन सबको टेम करने के लिए ना हमें बेरीज की ज़रूरत पड़ेगा। यहाँ से मिल जाएगा, मेरे पास बहुत सारा बेरीज था यार, मैंने क्या, ओके है मेरे पास है 78 बेरीज है यहाँ पर, मेजो बेरीज है ओके, और पेड़ भी तो लगा हुआ ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेड़ से भी हम लोग ले सकते हैं, थोड़ा बहुत होगा क्योंकि ज़्यादा नहीं है, बस ज़्यादा नहीं है। ठीक है इसको भी 43 ले लेते हैं, हमारे पास काफ़ी बेरीज हो गया ना, अभी मेरे ख्याल से उसको नार्को बेरीज ही खिलाना होगा सबसे ज़्यादा, तो अनकॉन्शियस स्टेट को रखने के लिए ठीक ठाक से। तो हम लोग ना अभी रात हो चुका है, कोई बात नहीं हम लोग चलते चल के सो जाते हैं। रुकने का जगह कहाँ गया, ओके अभी ना हमारा ओके, मुझे भूख लगा हुआ है, हम लोग अभी सो नहीं सकते, हमें खाना खाना पड़ेगा। पहले कंडीशन देख लेते हैं, भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, हम लोग मकई खा लेते हैं। चलो अभी मेरा पेट भर चुका है, हम लोग सो जाते हैं आराम से और कल सुबह जाएंगे गैलीमिनस को पकड़ने नहीं बोल सकते यार, टेम करने मतलब पालने हम लोग जा ही सकते हैं आराम से, तो इसके ऊपर चढ़ते हैं और जाना पड़ेगा हमें इस तरफ, देख लेते हैं एक बार इस तरफ ही जाना है। ओके चलो ठीक ही रास्ते चल रहे हैं हम लोग ना पानी के रास्ते चलेंगे, पानी के साइड में ये मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलते हैं, आराम से मिल जाएगा। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं चलते चलते कि क्या आया हुआ है, कुछ अगर काम का होगा तो लेंगे, नहीं तो छोड़ के निकल जाएंगे। नॉर्मली सप्लाई क्रेट्स है ये, एक बार देख लेते हैं आराम से क्या कुछ काम का तो बहुत सारा है यार, लेकिन इसके ऊपर बैठ के उड़ सकेंगे, नहीं उड़ सकेंगे यार, ये उड़ा ही नहीं पाएगा ज़्यादा, तो इसको लेके जाके घर पे रख के आना पड़ेगा। ऐसा करके घर पे जाना भी एक दिक्कत की बात हो जाएगी यार, नॉर्मली ये इतना स्लो चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। एक सेकेंड यहाँ पर जो काम का चीज़ नहीं है वो हम लोग फेंक देते हैं, नॉर्मली सरा हुआ मांस फेंक देते हैं, तो बाकी की सब कुछ काम का है, पत्थर फेंक देते हैं भाई, पत्थर की ज़रूरत नहीं है, फिर भी फेंक दिया और भी नहीं, वुड की भी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है हमारे पास वुड। एक सेकेंड ये तो पंछी के पास चला गया सच में यार, मैं भी ना इसको ड्रॉप कर देते हैं, इसको ड्रॉप करते हैं, पत्थर को भी ड्रॉप कर देते हैं, बहुत बढ़िया अभी बहुत सही है। ठीक है अभी चलते हैं ना, गैलीमिनस को इस बार पकड़ के ही रखेंगे, नॉर्मली उसको जाने नहीं देंगे। यहाँ पर ये जगह थोड़ा ज़्यादा डेंजरस है भाई, भाई यहाँ पर सांप मिलते हैं, घड़ियाल मिलते हैं, सांप से ज़्यादा फटता है मेरा, घड़ियाल को फिर भी मार सकते हैं हम लोग, पर सांप क्या करता है काट लेता है तो आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और कोई भी आके आपको मार सकता है, ये बहुत घटिया चीज़ होता है, जो कि मतलब
स्नेक बाइट बहुत दिक्कत करता है। तो ठीक है, एक सेकंड मैं अपना ना थोड़ा सा एनर्जी लेवल को बढ़ा लेता हूँ, नहीं तो उठते उठते नीचे गिर जाऊँगा और शायद से कोई दिक्कत आ जाए। मेरे ख्याल से मेरे को दिख गई बहुत बढ़िया। अभी इसको स्टॉप करते हैं और इसको करते हैं ओके, चलो बहुत बढ़िया। ट्रैंकुलाइज करते हैं इसको, हो रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पर ये लेवल 4 का है, मतलब इसको टेम करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। 39 ओके, चलो हो गया। अभी इसको ना हम लोग नार्को बेरीज दे देते पहले ही, ट्रांसफर खातर है भाई। इसके साथ इसको खाना भी देना पड़ेगा भाई, सॉरी यार मैंने सोचा नार्को बेरीज खा के ही रह जाएगा। अभी इसको हम लोग ना नॉर्मली सीटी बजा देते हैं, मतलब फॉलो कर देते हैं, क्योंकि अगर कोई और भी आ जाए तो दिक्कत ना हो, ये हमारा प्रोटेक्शन करता रहे। इसको नॉर्मली नार्को बेरीज खिलाना पड़ेगा हमको कंटिन्यूसली, ताकि इसका अनकॉन्शियस लेवल रह जाए। अगर ये जाग जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी, जैसे कि पिछली बार हुआ था, वो भाग गया वैसे ही भाग जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कम होके टेम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग खाना भी देते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग खाना भी देंगे इसको। और इसको ना हम एक काम करते हैं, 5 नार्कोटिक्स भी दे देते हैं। ओके चलो, इसको खिलाया है, ये थोड़ा थोड़ा करके अनकॉन्शियस तो है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरे को डर लग रहा है यार सांप ना आ जाए, कुछ भी आ जाए यार हम लोग देख लेंगे, पर सांप ना आ जाए, सांप से मेरा फटता है सबसे ज़्यादा, और दिखता भी तो खतरनाक टाइप का है ना। तो ठीक है चलो, इसको मेरे ख्याल से इस बार ये टेम हो जाएगा, पता नहीं, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। 11% यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको टेम होने में। कभी कभार इसको नार्कोटिक्स का भी पेस्ट दे रहा हूँ, ताकि वो देखो चल आ गया कमीना, मर जा, डिस्टर्ब नहीं करने का। वहाँ से मेरे को नार्को बेरीज मिल सकता है गाइस, हमें एक सेकंड सेव हो गया, बहुत बढ़िया, क्योंकि कभी कभार ना गेम बीच के चलते बंद भी होता है। तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या मिलता है। नहीं यार, बेरीज तो मिल गया हमें भर भर के, पर नार्को बेरीज नहीं मिला है। ठीक है, तो और कुछ नहीं चाहिए यहाँ से फिलहाल, तो इसको नार्को बेरीज मिला देते हैं, तो पेरीज देते रहते हैं इसको, ताकि ये अनकॉन्शियस रहे। अगर ये कॉन्शियस हो गया तो ये भाग जाएगा भाई, हम नहीं चाहते, बहुत घटिया जगह पर आके इसको पकड़ रहे हैं हम लोग, टेम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये एटलीस्ट यहाँ से भाग जाए। मेरे पास काफ़ी सारा नार्कोटिक्स है, सब खिला दूंगा उसको, पर उसको भागने नहीं दूंगा, मुझे ये चाहिए किसी भी तरह से, मुझे ये चाहिए। तो कोई भी हम लोगों के बीच में आएगा तो मार डालूंगा संभल के, ठीक है। ठीक है, अभी ना इसका कंडीशन मेरे हिसाब से बहुत सही है, क्योंकि टेम करने के लिए सही है। अगर ये जाग जाएगा तो भाग जाएगा, तो ठीक है कोई नहीं, हम लोग देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। अभी तो 27% ही हुआ है। नार्को बेरीज मेरे पास और ज़्यादा नहीं है, पर नार्को टिक्स मेरे पास बहुत सारा है। अभी इसको तो पूरी उम्र तक, सारी उम्र इसको सुला के रखने के लिए काफ़ी होने वाला है। तो ठीक है, और थोड़ा खिला देते हैं, और नार्को बेरीज मेरे पास 17 है, 31% ही टेम हुआ है, काफ़ी कम है जो कि टेमिंग परसेंट है। एक सेकेंड, यहाँ पर ना कुछ है, यहाँ से कुछ तो मिल सकता है। हाँ, नार्को बेरीज मिल चुका है हमें 4-5, बहुत बढ़िया, ऐसा ही तो चाहिए। 3 मिल चुका है, 4-5 नहीं, 3 मिल चुका है, चलो ये भी बहुत बढ़िया है। हमें इसको नार्कोटिक्स खिलाना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं तो ये भाग जाएगा, ये नॉर्मली टेम्प होने का नाम ही नहीं लेगा। तो ये नार्कोबेरीज के लिए ही अभी भी रुका हुआ है, नहीं तो भाग जाता कब, नार्कोबेरीज अगर नहीं देते थे। और नार्कोटिक्स भी है मेरे पास, तो इसको टेम करने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाला है बहुत ज़्यादा। तो और एक खिला देते इसको यार, धीरे धीरे करके कितना नसीरा गंजीरा यार पंछी है यार, कितना ज़्यादा नार्कोटिक्स खाता है। कोई आ रहा है क्या? ओके भाई, कोई तो आ गया यार, ये टेम होने वाला था, इसको मार दिया यार, कमीना है, बहुत ज़्यादा कमीना है, क्या दिक्कत कर दिया बोलो तो। मेरे को लगा कि कोई आ रहा है, पर कौन आ रहा है पता ही नहीं चला यार, मार दिया इसको। छः यार, बहुत देर से कोशिश किया था मैंने, पर कुछ हुआ नहीं। ये देखो
पैंट लेके घूम रहा है, मेरा पैंट उतार लिया, देखो क्या बदतमीज, क्या बोले यार। छोड़ो, मिल चुका है हमें अपना चाहिए था। तो फिलहाल तो मेरा गैलीमिमस, क्या नाम है यार, ये नाम स्पेल करने में भी दिक्कत होता है। ठीक है, तो गैलीमिमस हमें टेम्प करना है, और कहाँ जाके टेम्प कर सकते हैं देखते हैं एक बार। मेरे ख्याल से इस तरफ मिल सकता है, मिलना तो चाहिए। यहाँ पर तो रैप्टर का खतरा है ब्रो, खतरनाक रैप्टर घूम रहा है यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, यहीं कहीं है पर कहाँ है दिख नहीं रहा है कोई, पर यहाँ पर तो होना चाहिए क्योंकि ये रेडार बोल रहा है कि यहाँ पर है। यहाँ पर घोड़ा भी है यार, मैंने गलती कर दी, मैंने ना पिछली बार उसको वो खिला दिया था, पर उससे वो टेप हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं था। तो ठीक है, यहाँ पर घोड़ा भी है, मतलब इस तरह भी है कहीं। भाई घोड़ा किस तरफ से आवाज़ कर रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, पर यहाँ पर तो घोड़ा है, मतलब यहाँ पर घोड़ा नाम नहीं है, यहाँ पर है आपका वो इक्वस नाम है उसका। गैलीमिमस अगर कम लेवल का भी मिल जाए तभी मेरे को फ़ायदा होने वाला है, पर यहाँ पर कम लेवल दिख नहीं रहा है, जो भी है सब बिग साइज बिग लेवल का है। मुझे अगर गैलीमिमस चाहिए तो नॉर्मली रैप्टर को मारना पड़ेगा, नहीं तो रैप्टर इसको मार देगा। रैप्टर को मारना पड़ेगा नहीं तो रैप्टर मेरा गैलीमिमस मार देगा। यार रैप्टर ना बहुत दिक्कत करता है, रैप्टर क्या एक ही है, एक सेकेंड अच्छा इस रैप्टर को देखते हैं। ओके, तो दिक्कत दे रहा है बहुत ज़्यादा। रुक भाई मैं उतरता हूँ तेरे को, एक दूंगा तू एक का नहीं है, एक नहीं ले सकता तू, देखेगा हजार रैप्टर। यार मेरा इतना गलत डिसीजन कैसे हो जाता है हमेशा। चलो रैप्टर भी मर गया और ये भी मर गया, पर ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। ठीक है, जो भी था, और मेरा गैलीमिमस मेरे को चाहिए, मेरा गैलीमिमस मेरे ख्याल से इधर ही होगा। चलो मेरे को कुछ नार्कोबेरीज मिला है, इसको ले लेते हैं, ये काम में आएगा। और क्या यहाँ पर मिल सकता है नार्कोबेरीज, मेरा सोर्ड का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। हाँ नार्कोबेरीज मिल चुका है मेरे को। ओके, ये खतरनाक जगह दिखा रहा है, देखो राइट साइड में। यार कहाँ है गैलीमिमस, आज तो गैलीमिमस को टेम्प करना ही है मुझे। ओके देखो, इसके लिए बोल रहा था कि खतरनाक जगह है वो, देखो एक घोड़ा यार। ओके, जगह कौन सा है, कहाँ पर दिख रहा है मेरे को, अच्छा ये जगह पर घोड़ा दिख रहा है ना मुझे। काम करते हैं इसको ना, पकड़ने की कोशिश करते, पर ऐसे नहीं पकड़ते घोड़े को, घोड़े को नॉर्मली उसके पीठ के ऊपर चढ़ना पड़ता है और उसको गाजर खिलाना पड़ता है। अभी गाजर की जगह पर इसको मेसोबेरीज खिला के देखते हैं क्या करता है। ओके, मेसोबेरीज से भी टेम हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा कम टेम हो रहा है भाई, बहुत कम टेम हो रहा है, 0.7% टेम हुआ है। कुछ तो गलत सीन है यहाँ पर, ये अटक चुका है तो ठीक है हम लोग ना। ओके ये भूखा है, इसको देते हैं, पर ये गाजर के अलावा किसी से टेम नहीं होता, ये भाग जाएगा। नॉर्मली हमें दिखा क्यों नहीं रहा है, नॉर्मली हमें दिखा कि ये 7% टेम हुआ है, 0.7% टेम हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ अच्छा है कि ये यहाँ पर फंसा हुआ है, अगर फंसा हुआ नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल तो हम लोग ना इसको नार्को पेरिस भी नहीं खिला सकते क्योंकि अभी हमारा इन्वेंट्री हमारा बैग नहीं खुलेगा। तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा वेट कर जाते हैं, इसको भूख लग रहा है, फेंक दें। चलो हम लोग और एक बार चढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके ठीक है, ये यहाँ पर रुक गया, बहुत बढ़िया है। हालांकि ये अगर मेरे को मार कौन रहा है यार,
कोई तो मारा मेरे को। क्या सांप आया? पता नहीं यार, किसी ने तो मेरे को दिया पटक के। एक काम करो यार, इसको छोड़ो यार, गैली में इसको ही पकड़ते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग, मेरा मिशन ही तो है गैली मेमस पकड़ना, पर गैली मेमस ढूंढने में तो हालत ख़राब हो रहा है। मैं एक बार ना, मेरा यार रुकने के लिए बोला था, बैठने के लिए नहीं बोला था तेरे को कि बैठ गया। मेरे को ना गाजर रखना पड़ेगा अपने साथ, ऐसे ही घोड़ा कभी अगर मिल जाए हम लोग नॉर्मली गाजर खिला के उसको टेम कर पाएंगे। ये जगह ख़तरनाक है भाई, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ये जगह। काम करते हैं ना, हम लोग निकल जाते हैं यहाँ से, क्योंकि और भी जगह पर मिलता है गैलिमस, और भी जगह पर मिलता है मेरे ख्याल से, इस तरफ मिल जाएगा हम लोगों को। ठीक है, हम उल्टा साइड जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेंजर जगह है, और ये जगह बहुत खुला हुआ जगह है। तो ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर यार, यहाँ पर इतना गर्मी होने का रीज़न क्या है मुझे पता नहीं, पर गर्मी तो है। तो ठीक है, शायद दोपहर का टाइम है इसीलिए ज़्यादा गर्मी हो रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से भी देखते हैं एक बार, अगर यहाँ पर गैली मेमस मिल जाए तो गैली मेमस टेम कर लेंगे। और गैली मेमस ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। पता नहीं गाइस गैली मेमस कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, वहाँ पर मिल रहा था पर वो जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए हम लोगों ने अवॉइड करना ही अच्छा समझा। और यहाँ पर भी डेंजरस जगह पर उससे थोड़ा कम है मेरे ख्याल से, और यहाँ पर तो गैली मेमस का कोई नाम और पता नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर रहता है गैली मेमस, यहाँ पर रहता है गाइस, जो मैंने देखा है यहाँ पर घूमते हुए बहुत बार देखा है, एक बार ऊपर नहीं बहुत बार देखा है, शायद से अंदर से बाहर आ जाता तब तो दिखाई दे देता है। रखते हैं, मुझे रेस्ट लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बैठ जाते हैं हम लोग, फिर से घूम फिर के वही जगह पर आ चुके हैं। मतलब ये गैली मेमस ना वहीं पर रहता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करता, पर वहीं पर रहता है। तो ठीक है, चलो हम लोग ना चलते उसी तरफ। एक सेफ जगह होगा तो भी ठीक है, पर जहाँ पर सांप रहेगा नॉर्मली घड़ियाल रहेगा। ये देखो भाई, सांप देखना है आप लोगों को, दिखाते हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, नीचे की तरफ देखते रहो, सांप दिख जाएगा आपको। मेरे को भी नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर नॉर्मली सांप होते हैं। तो ठीक है, फिलहाल तो गैली में उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं हम लोग। वो देखो घड़ियाल, क्रोकोडाइल, देखा? अभी ढूंढना पड़ेगा गैली मेमस, पर यहाँ पर मेरा ना शॉट का हालत भी ख़राब है, मुझे अपना शॉट को भी रिपेयर करना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी ये टूट सकता है। खोजा, अभी तो ठीक कर लिया मैंने। यहाँ पर टेरर बार्ड है उस तरफ, गैली मेमस नहीं दिख रहा है मेरे को गाइस, कहाँ पर है यार, आवाज़ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। पर इस तरफ गैली मेमस रहते हैं ये तो पता है मेरे को, हाँ इधर ही है, बहुत तेज़ तेज़ ये आवाज़ कर रहा था। ओके चलो, मेरे को दिख गया फिलहाल, फिलहाल तो दिख चुका है, रेड वाले को टेम करते हैं, मेरे ख्याल से कम लेवल का होगा, 3 लेवल का है, फिर भी सही है, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ही टीम करने की कोशिश करते हैं। 150 इसका HP है, अभी तो 80 हो चुका है, देखते हैं कितना टाइम लेता है। मेरा एरोस ख़त्म, बढ़िया, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा एरोस ख़त्म होने वाला है, अब कुछ नहीं हो सकता गाइस, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा एरोस ख़त्म हो गया। इसको अगर हम लोग खाना भी ऑफर करेंगे भी तो नहीं खाएगा, ये मर जाएगा भी और मारेंगे तो, चलो इसको मारते नहीं हैं, हम लोग निकल चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज आप लोग बोलो यार, नॉर्मली बहुत दिन से मैं आर्क सर्वाइवल रिवॉल्व खेल रहा हूँ, पर दिक्कत की बात है हमें अभी भी उतना एबिलिटी नहीं मिला है कि नॉर्मली ऐसा गेम को कंटिन्यूसली खेल सकूँ, पर आप लोगों को कैसा लगता है बोलिए। हमारा जैसे कार फॉर सेल सिमुलेटर का वीडियो आ रहा है, वैसा वीडियो तो आता ही रहेगा, पर उसके साथ साथ कभी कभार ना आर्क सर्वाइवल रिवॉल्व का भी वीडियो आएगा, जैसे कि आज आया, फिर कुछ दिन बाद आर्क सर्वाइवल का वीडियो आएगा, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत कुछ इस गेम के बारे में जानना है, सीखना है। ठीक है, तो अगली बार जब वीडियो बनाएंगे इस गेम के ऊपर, मेरे ख्याल से तब तक तो मेरा एक अच्छा खासा बेस बन चुका होगा, तो बेस बना के हम लोग आप लोगों से मिलेंगे। और तब तक तो मैं सोच रहा हूँ अभी ना ये वीडियो ख़त्म करता हूँ, और कल मैं एक और कार फॉर सेल सिमुलेटर के वीडियो के साथ आऊँगा,
ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली आर्क सर्वाइवल का वीडियो चलेगा, कार फॉर सेल का वीडियो तो आएगा ही, 100 एपिसोड उसका कंप्लीट होगा ही होगा, पर आर्क सर्वाइवल भी बहुत बंदे हैं जो देखना चाहते हैं, उसके लिए तो हम लोग आर्क सर्वाइवल का वीडियो ला रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से कल एक नया एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में नए हैं तो, और कमेंट्स में बोलिए कि कैसा लगा आज का वीडियो आप लोगों को। तो ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ।